फौजी जी को सुनना चाहते हैं एक बार हाथ उठाएं। क्या बात है, सभी जवान बैठे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा लेकिन शांति बना के रखनी है, अपनी शांति बना के रखनी है। एक बार कह दीजिए सच्ची दरबार की। आईदा बहुत ही सुंदर गुण, बड़ी दूर दूर तक यूपी हरियाणा राजस्थान की समय में किसी के मोहताज नहीं है। और आर्यन एंड पार्टी के साथ मेरे बड़े भैया श्रीमान आज चाहिए कि फौजी जी इतनी जोर ते ना बोलो, माता ने सुन जाएगा, बेरा लाग जाएगा, तेरे नाम का जयकारा लगेगा। चोरी से करवा रहे हो प्रोग्राम के सरेआम करवा रहे हो तो जयकारा की आवाज कटे गई थारी, दोबारा जयकारा लगवाऊंगा। सभी ने जोश के साथ जोर से जयकारा लगाना है ताकि सारी दिल्ली में पता चले कि माता रानी के नाम से आज जागरण चला हुआ है सब्जी मंडी में। हाथ ऊपर उठाओ दोनों, सारे के सारे हाथ ऊपर उठाओ, सारे के सारे टोटल। ये कैमरामैन पीछे कैमरा कर ले, जो नहीं उठाया होगा बाद में देख लेंगे किसने हाथ ऊपर नहीं किया था। सारे ए आंटी भगवान ऊपर को नहीं खींचा, टेंट है बीच में, डरना। उठा ले दोनों हाथ ऊपर जोर से, तेरी आंख में तो बुरसट पट रही है कि भाई, दोनों हाथ न्यू करना जोर से और जोश के साथ जयकारा बोलियो, बोल शेरावाली माता की। लगे ना जयकारा, ये होता है जयकारा, इस प्रकार से जयकारा बोलने करो कोई कलाकार बुलवावे तो। मेरे पिता के समान बुजुर्गो, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, आए हुए तमाम साथी कलाकार बंधुओ, पत्रकार छायाकार भाई अगर कोई है, दिल्ली पुलिस फोर्स और गंगा के समान पवित्र बैठी मेरी माता बहनों, वह लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, सबसे पहले आपके अपने चहेते गायक कलाकार फौजी करमबीर और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम। रह ले लियो ले, ये राम राम का नाम भी आजकल लोगों के मुंह में तो बड़ी मुश्किल निकले, क्यों? आज इस कलयुग के जमाने में बंदे के दिमाग में टेंशन इतनी बढ़ गई, स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया, किसी ना छेड़ लो खान ना आवे, किसी ना प्यार का भी बोलोगे राम राम उल्टा जवाब मिलेगा, क्यों गंगा नहा के आया है, राम राम ये जवाब मिलेगा। जबकि कितनी अच्छी बात है, दो बार मेरे मुंह से राम राम निकले, दो बार आप लोगों के मुंह से राम राम निकले। मैं शुक्र गुजार हूं परमपिता परमात्मा का, मां सरस्वती का, के जिसने मेरे को लिखने का और गाने का गुर दिया। और उसके बाद मैं आज शुक्र गुजार हूं जय मां अंबे सेवा समिति का, के जिन्होंने मेरे को आज इस मंच के काबिल समझा, माता रानी का इतना सोहना जगराता, इतना सोहना दरबार सजा के, थैंक यू धन्यवाद, और गुणगान करने के काबिल मेरे को समझा, आज भीमनगर सब्जी मंडी में बुला करके
तो बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं इस समिति का, माता के प्यारे प्यारे भक्तों का। उसके बाद में शुक्रगुजार हूं आए हुए तमाम भगत जनों का के जिन्होंने मेरे एक एक गीत एक एक भजन एक एक रागिणी को अपनी मां से भी ज्यादा बद के प्यार दिया और इस मकाम पे लेके खड़ा कर दिया। थारी चरणों की धूल के बराबर था मैं आज इस गायकी क्षेत्र में कल्चर एक्टिविटी में मेरे को जितना भी जो भी कुछ मान सम्मान मिला हुआ है सब आप लोगों की बदौलत है। ये मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का और नन्हे मुन्ने बच्चों का ये प्यार जो मेरे को मिला है। इस प्यार का ऋण अगर मैं उतारने पे आऊं तो शायद इस ऋण का ब्याज भी मैं पूरी जिंदगी जो है नहीं उतार सकता। विशेष तौर पर इस दिल्ली का तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि महीने में 10 प्रोग्राम दिल्ली में करता हूं मैं, बाकी पूरे भारत में। तो भगत जनों अभी आप लोगों के बीच में किस प्रकार से के आप लोग यहां पर आए हो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि बारी बारी से कलाकार आएंगे, माता रानी का गुणगान करते जाएंगे, सभी के गीतों भजनों को आप लोगों ने प्यार देना है और आरती करवा के प्रसाद ग्रहण करके यहां से जाना है। तब पूरी रात काली करने का फायदा होगा, अन्यथा यहां पूरी रात काली करने का कोई फायदा नहीं होगा। और अभी गाने वाला मैं एक आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, सुनने वाले आप हजारों यहां बैठे हो। सभी कलाकारों का अपना अपना अंदाज होता है जो है प्रोग्राम करने का, इसीलिए मेरा अंदाज कुछ अलग मिलेगा, कुछ ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो 10 भक्तों को अच्छी लगे, 2 भक्तों को अच्छी ना लगे, तो मुझे अपना बेटा भाई साथी यानी कुछ भी समझ के आप लोग माफ कर देंगे। तो सबसे पहले माता रानी के दर पे के किस प्रकार से आज माता रानी का दरबार सजा हुआ है, भगत जन बैठे हैं, ढोल ढमाके बज रहे हैं और बड़े प्यारे अंदाज में किस प्रकार से आज भगत माता रानी को बुलाते हैं कि हे माता रानी आपको आना पड़ेगा आज हमारे जागरण में, हमने दरबार सजाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है और आप आओगी तो हम आपका वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। किस प्रकार से जब आप आओगी तो किस प्रकार से आपका स्वागत करेंगे और एक बात के द्वारा कैसे क्या बताते हैं। आज जगराता है, भवन सजाया है, आज जगराता है, भवन सजाया है, भक्तों ने माता तुमको आज बुलाया है। हाँ आज जगराता है, भवन सजाया है, भक्तों ने मैया आज यहाँ बुलाया है। आजा भवानी अम्बे तू 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 तू, क्या बात है। हम सब बोलेंगे मैया वेलकम हो रही हूँ, हम सब बोलेंगे मैया वेलकम हो रही हूँ। आज जगराता है, भवन सजाया है, मैया ने भक्तों आज मैया को भक्तों आज घर पे बुलाया है। आजा भवानी अम्बे तू 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 तू, हम सब बोलेंगे मैया वेलकम हो रही हूँ, हम सब बोलेंगे मैया वेलकम। आज जगराता है, भवन सजाया है, आज जगराता है, भवन सजाया है, केला चमेली का एक हार मंगाया है। आजा भवानी अम्बे तू 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 तू, हम सब बोलेंगे मैया वेलकम हो रही, हम सब बोलेंगे मैया वेलकम हो रही। चुनरी बालाएंगे सूरतिये प्यारी प्यारी मन में बसाएंगे, सूरतिये प्यारी प्यारी मन में बसाएंगे, चरणों के जगह देवे तू 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 तू, हम सब बोलेंगे मैया वेलकम हो, हम सब बोलेंगे मैया
बोलेंगे भैया वेलकम खोरू, हम सब बोलेंगे भैया वेलकम खोरू। आजकल ये इंग्लिश मीडियम सिस्टम चल पड़ा, कहने का मतलब है कि सारा ये जग मैया तेरे ही बिहाइंड है, यानी आपके पीछे सारा संसार है, सारे ये जग मैया तेरे ही बिहाइंड है, दिल मेरा जानता है कितनी तू काइंड है, काइंड याने तो कितनी शक्ति है तेरे अंदर मुझे पता है, क्या बता दिया। सारा ये जग मैया तेरे ही बिहाइंड है, दिल मेरा जानता है कितनी तू काइंड है, दिल मेरा जानता है कितनी
तू पाइन है नाचे की कुटिया देखे की दुनिया नाचे की कुटिया देखे की दुनिया। बेटा कैमरा चला हुआ है मैया के दर पे वो देखो इसलिए कह रहा हूँ आज यहाँ नाच रही है तब सारे देखेंगे नाचे की मुटिया देखे की दुनिया नाचे की मुटिया देखे की दुनिया नाचे की मुटिया देखे की दुनिया। दिल पे नचाता है इतनी तू काइंड है सारा ये जग मैया तेरे ही बिहाइंड है सारा ये जग मैया तेरे ही बिहाइंड है सारा ये जग मैया तेरे ही बिहाइंड है। जो कुछ टैलेंट मेरा तेरा टैलेंट है जो कुछ टैलेंट मेरा तेरा टैलेंट है वो जीपी परमानेंट तेरा सर्वेंट है वो जीपी परमानेंट तेरा सर्वेंट है। बोलेंगे